For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. सोशल मीडिया पर अक्सर घिरने वाले एक्टर ऋषि कपूर एक बार फिर से ट्विटर पर लिखते नजर आए। इस बार उन्होंने भारी विरोध झेल रही फिल्म पद्मावत को लेकर करारा मजाक कर दिया है, जिसके चलते उन्हें अपना ट्वीट भी करना पड़ गया डिलीट। ट्विटर पर आए दिन विवादित बयान ट्वीट करने वाले एक्टर ऋषि कपूर ने फिल्म पद्मावत को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर करण जौहर और रणवीर सिंह को लेकर बड़ी बात ट्वीट कर दी, जिसके चलते बाद में उन्हें इस ट्वीट को डिलीट भी करना पड़ गया। ऋषि ने अपने ट्वीट में लिखा कि रणवीर सिंह ने ऐलान किया है कि अगर करणी सेना ने फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया तो वो जौहर करेंगे। बता दें कि इस ट्वीट के साथ ऋषि ने एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें रणवीर सिंह ने करण जौहर के चेहरे को पकड़ा हुआ है। दरअसल ऋषि ने ये एक मजाक के लहजे से ट्वीट किया था, जिसका फिल्म से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि ऋषि फिल्म के फेवर में अक्सर बोलते नजर आए हैं, लेकिन ऋषि को ट्विटर पर विवादित ट्वीट करते हुए देखा जाता है। ऋषि ने फिल्म पद्मावत के फेवर में बड़ी बात कही थी कि लोग इस तरह कानून व्यवस्था तोड़कर कैसे विरोध कर सकते हैं, जो कि कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आगे भारत में लोकतंत्र है और ऐसे बेमतलब विरोधियों की जगह जेल में होनी चाहिए। ऐसी और दिलचस्प स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.